राजस्थान विधानसभा के चुनावी रण में पार्टियां उतर गई हैं। इस बीच बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, तो वहीं दूसरी सूची पर मंथन चल रहा है। लेकिन पहली सूची में अल्पसंख्यक चेहरे का नाम नहीं आने पर अब अल्पसंख्यक मोर्चा ने फिर से मांग को दोहराया है। साथ ही अल्पसंख्यक बहुल सीट पर उनको टिकट देने की मांग रखी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। भाजपा की पहली सूची आने के बाद टिकट के दावेदारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। कुछ विरोध कर रहे हैं तो कुछ आने वाली सूची में दावेदारों पर कयास लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी अपनी मांग को ताकत दी है। मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हामिद खान मेवाती ने कहा कि प्रदेश के 40 सीटों पर अल्पसंख्यकों की संख्या 40,000 से लेकर 1,00,000 तक की है। ऐसे में 10 सीटों की मांग का प्रस्ताव आला नेतृत्व को भेजा गया है। मोर्चे के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक बहुली विधानसभा क्षेत्र हैं, हमने उनको टारगेट पर रखा है, क्योंकि वहां पर 50,000 से अभाव वोट है। उन विधानसभाओं की हमने सूची बनाई है। ऐसी लगभग 40 विधानसभाएं राजस्थान में हैं जहां पर 40-50,000 से अभाव वोट है। हमने पूरा फोकस बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं पर किया है। उसके लिए हमने प्रभारी भी लगाए हैं, जो बूथों में हम प्रवास करेंगे और बूथों में हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे आगामी दिनों में। टिकट वितरण से पहले तमाम सोशल इंजीनियरिंग पार्टियों की ओर से की जा रही है, तो उधर सर्वे की रिपोर्ट को भी आधार बनाया जा रहा है। प्रदेश में आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो लगभग 9% मुस्लिम आबादी है। वहीं टिकट देने से भाजपा से आगे कांग्रेस ज्यादा रही है। पिछले चुनाव को देखा जाए तो भाजपा ने महज एक टिकट टोंक विधानसभा से दी। वहां पर पूर्व मंत्री यूनुस खान को उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन हाल ही में गुजरात यूपी चुनाव में भाजपा के ट्रेंड को देखते हुए राजस्थान में इस बार अल्पसंख्यक चेहरा भाजपा के उतारने पर संशय है। देखिए, बेनिफिट मिलता है समाज में, हर तरह के लोग रहते हैं और दूसरी तरह से सोचते हैं। हम तो संगठन में काम करते हैं तो हम संगठन के हिसाब से सोचते हैं। टिकट देना ना देना ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, लेकिन हमारा काम है संगठन को मजबूत करना। संगठन के हम सिपाही हैं। राजस्थान में माननीय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी जी, जिस तरह से वो प्रवास कर रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर, उनके नेतृत्व में हम यहाँ काम कर रहे हैं। चुनावी चौसर में जीत के समीकरण बिठाने के लिए अक्सर पार्टियां सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखती हैं। ऐसे में अब भाजपा से अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी टिकट देने की मांग रखकर एक अलग ही मोहरा चलाया है। अब देखना होगा कि भाजपा इस बार किस रणनीति पर काम करती है। जन टीवी के लिए अनिल सैन की रिपोर्ट।